आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर सर्वेइंग का। सर्वेइंग इंट्रोडक्शन, सर्वेइंग का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं सर्वे, इसका पार्ट्स क्या है, कौन कौन सी सर्वेइंग होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लें, कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं तो प्रोजेक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उसकी डिजाइनिंग करने के लिए, उसको किस तरह से वर्क करना है, तो उसमें सारी ही चीज में, जैसे मान लीजिए डैम हो गया, कैनाल्स हो गई, इम्बैकमेंट्स हो गई, एरोड्रोम्स हो गए, ब्रिज हो गए, बहुत सारी चीजें जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं, सारी की सारी चीजों को बनाने के लिए हमें प्रोसेस ऑफ सर्वेइंग इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो सर्वेइंग का प्रोसेस आता ही आता है। तो उसमें क्या किया जाता है, सर्वे में सबसे पहले मकसद क्या है, सबसे पहले हम बात कर लें सर्वेइंग होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वेइंग है क्या चीज। सर्वेइंग एक आर्ट है जिसमें क्या है, हम ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं ऑन और अबव और बेनिथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पे जब हम ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स को क्या करें, डिटरमाइन करें, उस आर्ट को हम क्या बोलेंगे, सर्वे। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से क्या की जाती है, मेजरमेंट की जाती है, उसको हम बोलते हैं सर्वे। तो हम सिंपल सी अगर बात करें तो क्या है डेफिनेशन, क्या है सर्वेइंग की, तो आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट ऑन अबव और बेनिथ द अर्थ सरफेस विद बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स कॉल्ड सर्वेइंग। तो सर्वेइंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो सर्वेइंग, उसके बाद हम बात कर लें सर्वेइंग की पर्पज क्या रहता है, क्यों करते हैं हम सर्वे। पर्पज ऑफ सर्वे, अगर हम बात कर लें पर्पज की, पर्पज ऑफ सर्वे, पर्पज ऑफ सर्वे क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्ट है। पर मकसद ये है, पर्पज मेन ऑब्जेक्ट और पर्पज सर्वे का यही है, किसी भी ग्राउंड सरफेस पे क्या करना, उस पे या तो हम मैप तैयार करें या कोई प्लान तैयार करें, ठीक है। तो वो सबसे मेन है, हम कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उसका या तो प्लान तैयार करेंगे या कोई मैप तैयार करेंगे, तो उस मैप और प्लान की जो ड्राइंग बनाते हैं हम, तो वो किस किससे करते हैं, वो सर्वे से होती है। पर्पज, मेन पर्पज क्या है, एक्चुअली में ये पर्पज ओनली मैप और प्लान तैयार करने का नहीं है, उतना ही इम्पोर्टेंट पर्पज इसका क्या रहता है, डिजाइनिंग में भी रहता है। अगर हम बात करें डिजाइनिंग की, डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स, इम्बैकमेंट्स, रेलवेज, डैम्स, रोड्स, जितना कुछ भी कंस्ट्रक्शन हमारी होती है, तो उसमें जो डिजाइनिंग हो रही है वो डिजाइनिंग किसके जरिए होगी, उसमें कुछ ना कुछ जो प्रोसेस, कुछ ना कुछ क्या, सारा ही प्रोसेस जो रहेगा क्या रहेगा, सर्वे का रहेगा। तो सर्वे बहुत बड़ा पर्पज है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखता है, पर्पज है जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में। तो और क्या है, जैसे हमने क्या किया है, कोई प्लान तैयार किया, प्लान तैयार करके वो एक रेडी किया, ये आगे फ्यूचर में क्या वर्क करना है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, डिजाइनिंग क्या होनी चाहिए, उसका भी ये क्या है, सर्वे पर्पज है। तो ये डिजाइनिंग, अगर हमने कोई प्लान तैयार किया, मैप तैयार किया हुआ है, ड्राइंग तैयार की हुई है, तो वो आगे इंचार्ज इंजीनियर होएगा तो वो उसको देखेगा और उसको पढ़ेगा और उसी तरह से क्या करेगा, उसकी मार्किंग होएगी ग्राउंड पे और उसकी उसकी डिजाइनिंग और उसको उस प्रोजेक्ट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उसको बनाएगा, ठीक है जी। तो मेन पर्पज बहुत सारे रहते हैं इसके सर्वेइंग के। तो और बात कर रहे, अगर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन कर लिया
ली जाती है, जो हम बोलते हैं ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोले, अगर दो तरह से जो सर्वेइंग होती है, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, ये प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है? हमारा जो अर्थ का कर्वेचर है, जो हमारे अर्थ का जो साइज है, शेप है, वो क्या है? स्फेरॉइडल है। जो हमारी जो शेप है अर्थ की, वो स्फेरॉइडल है, ठीक है जी। तो ये शेप है, तो इसकी जो हम सर्वे करते हैं वो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, कैसे हमने नाम दे दिया, जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस सर्वेइंग को, कैसे किया? प्लेन सर्वे वो सर्वे है जिसमें क्या होता है, हम अर्थ के कर्वेचर को नेगलेक्ट रखते हैं, हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते, और हम उसके कर्वेचर को क्या मान के चलते हैं? प्लेन मान के चलते हैं। जो हमारा अर्थ का सरफेस है या कर्वेचर है वो क्या है? प्लेन है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है? जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है, जिसमें हम अर्थ के सरफेस को क्या करेंगे? कंसीडर्ड, अर्थ के जो कर्वेचर है उसको हम क्या करेंगे? कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, अगर बहुत ज्यादा एरिया हमने सर्वेड करना है, बहुत बड़ा एरिया सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें अर्थ का जो कर्वेचर है कंसीडर करना पड़ेगा, तो उसमें कंसीडर करने के लिए हमें जियोडेटिक सर्वेइंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो बहुत बड़े एरिया को अगर हम सर्वे करते हैं तो उसमें क्या आएगा, हमें जियोडेटिक सर्वेइंग करनी पड़ेगी, हम प्लेन सरफेस नहीं मान सकते, अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सबसे पहले हमने प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। तो प्लेन सर्वेइंग वो सर्वेइंग है जिसमें क्या है, द सर्वेइंग इन विच, हम लिख सकते हैं इसको सिंपल भाषा में अगर देखें तो क्या है, द सर्वेइंग इन विच अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड, द सरफेस इज कंसीडर्ड एज ए प्लेन। तो जब हम प्लेन कंसीडर करते भी हमारा जो सरफेस है वो प्लेन है, तो हम बोल लेंगे प्लेन सर्वेइंग। अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं अर्थ के कर्वेचर को, तो हम मानेंगे जियोडेटिक सर्वेइंग है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा एरिया अगर सर्वेड जब करना होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग की जाती है, हमें अर्थ का कर्वेचर को निगलेक्ट नहीं कर सकते और उसको कंसीडर करना ही होता है। तो ये वाला जो जियोडेटिक सर्वेइंग है, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एजेंसीज हैं जो वो जियोडेटिक सर्वेइंग करती हैं, ठीक है जी। जैसे ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिक सर्वे है, तो GTS है, तो वो क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसको इंट्रोडक्शन है इसकी, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग की। वैसे हमारे अर्थ का जो कर्वेचर, जो शेप होती है, वो स्फेरॉइडल होती है, तो हम इसमें क्या मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं, इसमें हमें कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो ये हमारे थे। अब पर्पज की बात कर ली हमने, सर्वेइंग क्या होता है, अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल्स क्या है, मेन प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है जी, किस प्रिंसिपल पे सर्वेइंग की जाती है, तो हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। हाँ जी, तो इसके दो प्रिंसिपल हैं, जो दो प्रिंसिपल से हम क्या करते हैं, सर्वे को रेगुलेट करते हैं। तो दो प्रिंसिपल को लेके चलना होता है। सबसे पहले हम बात कर लें, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, टू वर्क फ्रॉम होल्ड टू पार्ट, ठीक है जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारा प्रिंसिपल्स हैं इसके, मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसके। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है,
अगर हमने कोई एरिया सर्वेट करना है तो हम एक जो हमारे जो पॉइंट्स होंगे, जो हमारे जितना एरिया हमने कवर करना होगा, उस पॉइंट्स को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी सर्वे। तो सर्वे को स्टार्ट करने से पहले अगर मान लीजिए हमारा ये एरिया है, ठीक है जी, इस एरिया में हमने क्या करना है, सर्वे करना। तो ये पॉइंट जो कोई भी हमारे ये पॉइंट होंगे, इन पॉइंट को जानना, पहले हमें क्या करना है, इन पॉइंट को जानना है विद हाई प्रिसीजन मेथड। हाई प्रिसीजन मेथड, वेरी एक्यूरेट मेथड से हमें ये जानना होगा। जो हमारे होल से, होल टू पार्ट का मतलब क्या है, हम जो इसमें सर्वे स्टार्ट करेंगे वो हम क्या है, जो आखिरी जो हमारे पॉइंट्स हैं जहां तक हमारा सर्वे जिस एरिया में करना है, तो उससे हम क्या करें, स्टार्ट करें। तो जो इसमें होगा क्या, जा तो हम इसमें ट्रायंगुलेशन मेथड लगाएंगे, ट्रायंगुलेशन मेथड या ट्रावर्सिंग करेंगे। मान लीजिए ट्रावर्सिंग करेंगे तो इसमें क्या भैया, हमने अगर ट्रावर्सिंग देख ली, ऐसे हमने कोई ट्रावर्सिंग कर ली, ठीक है जी, तो हमने ऐसे इसको क्या कर लिया, एक जान लिया, पॉइंट्स को जान लिया, और उसके वेरी एक एक हमने टावर्स तैयार कर लिया, और उसमें बहुत सारे आगे डिविजन्स और सब डिविजन, एक डिविजन हमने इसकी की और उसके बाद सब डिविजन्स कर ली। मान लो ट्राइंगल्स आगे आगे ट्राइंगल्स यूज की हमने, कोई भी ट्राइंगल्स बढ़ा ली, ठीक है जी। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हमें ऐसे होता क्या, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है, और ऐसे जो अब हम होल टू पार्ट चलते हैं तो जो हमारे एरर हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं, जो एरर हैं धीरे 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 कंट्रोल हो जाते हैं और निगलेक्ट रहते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें, अगर इस उल्टी बात करें तो पार्ट टू होल जाना हो, अगर पार्ट टू होल जाना हो तो पार्ट टू होल का मतलब क्या हुआ, पार्ट टू होल जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एरर बढ़ते जाएंगे, एंड तक इतने ज्यादा एरर हो जाएंगे तक वो कंट्रोल करने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए जो एंड पोजीशंस हैं हमारी, उनको हाई प्रोसीजर मेथड से हमने पहले जांच लेना, और उसके बाद क्या है, हम थोड़ा लो प्रोसीजर मेथड से हम जो हमारी ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इस प्रिंसिपल के जरिए हम सर्वेइंग कर सकते हैं, अगर हमने सर्वेइंग कर रहे हैं, किसी एरिया को सर्वे करने का काम कर रहे हैं। दूसरा प्रिंसिपल क्या है इसका, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरमेंट्स, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स बाय मेजरमेंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो सेकंड हमारा प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल सर्वेइंग का क्या रहता है, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। तो कोई भी अगर हमने पॉइंट को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो हमें दो पॉइंट को क्या करना है, दो पॉइंट को एज अ रेफरेंस लेके चलना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो तीसरा जो रिलेटेड पॉइंट है, जो रिलेटिव पॉइंट होएगा, उसको हम क्या कर सकेंगे, जांच कर सकेंगे उसकी। तो सबसे पहले हम बात कर लें कैसे किया जाएगा, जो लोकेशन है पॉइंट्स की, मेजरमेंट्स कैसे की जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लें, अगर ये हमारे दो पॉइंट हैं, मान लिया ये हमारा एल और M पॉइंट है, कोई L और M, ये दो नॉन पॉइंट है हमारे,
ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अगर हमने क्या किया है, मान ली ए पॉइंट, इस पॉइंट को जानना है, ठीक है जी, इस पॉइंट को जानना है तो हमें क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानना है तो हमें लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, अगर इसकी लोकेशन हमें जाननी है तो हम इन दो पॉइंट को एज अ रेफरेंस मान के चलना होगा, एज अ रेफरेंस मान के चलना होगा, क्योंकि हमें अगर इसका इसका डिस्टेंस हमें पता होगा, इन दो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट का डिस्टेंस पता होगा, तो हम इस पॉइंट को आसानी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं बाय सिंपल चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग से हम सिंपल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल कैसे, अगर मान लीजिए हमारे पास एल और एम ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे अगर हमने क्या किया, ए पॉइंट है हमारा, ऐसा केस है, तो ऐसे केस में भी हम पॉइंट दो, ये दो पॉइंट रेफरेंस रखे हुए हैं, ये दो पॉइंट रेफरेंस रखे हैं, इस पॉइंट के अगर हमने डिस्टेंस देखनी है तो हमें मेथड, सिंपल मेथड यूज करने होंगे या हमें ट्राइंगुलेशन मेथड यूज करना होगा, ठीक है जी। तो हम सिंपल इसके चेन सर्वेइंग से भी हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और हमें फर्स्टली दो रेफरेंस पॉइंट को लेके चलना होगा जिसके बारे में हमें उसकी ये लेंथ हमें पता होनी चाहिए, उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम तभी जान पाएंगे। तो ऐसे जब केस आते हैं तो हमें क्या करना है, एंगल जानना है। तो अगर और केस की बात कर ले, हम और केस बहुत सारे हैं, अगर केस की बात कर ले, अगर एल एम पॉइंट हमारे रेफरेंस पॉइंट है, इन रेफरेंस पॉइंट में क्या है, ये इस पॉइंट पे क्या करना है, हमें कोई एंगल मेजर करना है, कोई एंगल मेजर करना है, तो एंगल मेजर करना है तो दो रेफरेंस पॉइंट फिर भी हमें चाहिए, एंगुलर मेजरमेंट होनी चाहिए, तो एंगुलर मेजरमेंट के लिए भी हमें ट्रावर्सिंग मेथड यूज करना पड़ेगा और ट्रायंगुलेशन मेथड दोनों यूज करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है, ये हमारे प्रिंसिपल्स रहते हैं जो सर्वे करने में हमारी हेल्प करते हैं, आसानी से जो हम क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। अगर हम बात कर ले आगे सर्वेइंग के बारे में मेजरमेंट्स की, तो मेजरमेंट्स जो हैं कैसे होती हैं, कितने तरह की मेजरमेंट्स होती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। मेजरमेंट्स मेजरमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पॉइंट पार्ट कैसे, नंबर वन लीनियर मेजरमेंट, नंबर टू एंगुलर मेजरमेंट। सर्वे में दो तरह से मेजरमेंट होती है, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट को आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो कौन से हैं, जो लीनियर मेजरमेंट को आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है वो क्या है, सबसे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और नंबर टू वर्टिकल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, जब हॉरिजॉन्टल प्लान में जब सर्वे टेकन किया जाता है, सर्वे मेजरमेंट्स की जाती है, द मेजरमेंट्स टेकन बाय द
टेकन इन द हॉरिजॉन्टल प्लान। जब हॉरिजॉन्टल प्लान में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, जब हम वर्टिकली क्या करते हैं, वर्टिकली मेजरमेंट्स करते हैं, द मेजरमेंट्स टेकन इन द वर्टिकल प्लान, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस। द मेजरमेंट टेकन इन द वर्टिकल प्लान, उसको बोलेंगे हम वर्टिकल डिस्टेंस। द मेजरमेंट टेकन इन द हॉरिजॉन्टल प्लान, उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और उसी तरह से एंगुलर मेजरमेंट भी क्या होती है, एंगुलर मेजरमेंट भी फर्दर टू टाइप्स की होती है। वो कैसे, वो फर्स्टली हम उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, और सेकंड वन है हमारी वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, द एंगुलर मेजरमेंट टेकन बाय टेकन इन हॉरिजॉन्टल प्लान, द एंगुलर मेजरमेंट टेकन इन द हॉरिजॉन्टल प्लान, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल। द हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल की, वर्टिकल एंगल की बात कर लें, द एंगुलर मेजरमेंट, द एंगुलर मेजरमेंट टेकन इन द वर्टिकल प्लान इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल। सिंपल सी डेफिनेशंस हैं इनकी। ये हमारी मेजरमेंट्स हैं, दो तरह से होती है, लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट क्या है, दो तरह से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट और वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, द मेजरमेंट टेकन इन द हॉरिजॉन्टल प्लान कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। द वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, द मेजरमेंट टेकन इन द वर्टिकल प्लान कॉल्ड वर्टिकल डिस्टेंस। और हम बात करते हैं अगर एंगल मेजरमेंट की, एंगुलर मेजरमेंट क्या है, एंगुलर मेजरमेंट भी दो तरह से होती है, फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, द एंगुलर मेजरमेंट टेकन इन द हॉरिजॉन्टल प्लान कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंगल। और वर्टिकल एंगल क्या है, द एंगुलर मेजरमेंट टेकन इन द वर्टिकल प्लान कॉल्ड वर्टिकल एंगल। तो ये हमारी क्या है, सर्वे की मेजरमेंट्स के बारे में। तो सर्वे के पार्ट्स क्लासिफिकेशंस भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, और उनके हिसाब से क्या है, बहुत सारी हमारी जो सर्वेइंग है, चेन सर्वेइंग है, थर्ड लाइन सर्वेइंग है, प्लेन टेबल सर्वेइंग है, बहुत सारी सर्वेइंग्स हैं, उनके बारे में भी अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक ये हमारा लेक्चर जो इंट्रोडक्शन है यहाँ तक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर अब हम क्या करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे।